नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं तमिलनाडु की कुछ खास खबरों की। तमिलनाडु के एलोर में पीने के पानी की आपूर्ति नहीं होने पर सड़क पर धरना प्रदर्शन। पीने के पानी की आपूर्ति नहीं होने का दावा करते हुए 100 से अधिक ग्रामीणों ने खाली जग लेकर सड़क पर धरना दिया। एलोर जिले के अंधियूर के पास माथुर पंचायत के मरवा पलायम इलाके में 100 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं, जबकि माथुर पंचायत प्रशासन की ओर से इस क्षेत्र में पीने के पानी का वितरण किया जा रहा था, लेकिन पिछले 10 दिनों से पीने के पानी का ठीक से वितरण नहीं होने के कारण पंचायत प्रशासन को सूचित करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 800 से अधिक ग्रामीणों ने मरवा पलायम बस स्टैंड के पास खाली जग लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इससे अंधियूर की ओर जाने वाली सड़क पर यातायात प्रभावित रहा। इसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची अंधियूर पुलिस व माथुर पंचायत परिषद अध्यक्ष ने बैठक कर बताया कि चुनकी भवानी से मैटूर मार्ग पर सिदार क्षेत्र में पेयजल पाइप टूट गया है, इसलिए तत्काल मरम्मत के लिए कदम उठाए जाएंगे, पेयजल की समुचित व्यवस्था करें। आश्वासन देने के बाद ग्रामीणों ने अपना धरना समाप्त कर दिया और तितर बितर हो गए। ग्रामीणों के इस धरना से कुछ देर के लिए इलाके में हड़कंप मच गया। तमिलनाडु से संवाददाता सुब्रमानी की रिपोर्ट।